नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये क्या सर, मास्क मिल गया लेकिन वो नहीं मिला, यही सोच रहे हैं ना आप? मास्क मिला नहीं, उसी ने फेंक दिया। मतलब? लगता है अब उसे इस मास्क की जरूरत नहीं है। फेसबुक, ट्विटर जैसी सभी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर आपकी चर्चा चल रही है सर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पब्लिक और अपोजिशन पार्टियां भी आपको सपोर्ट कर रही हैं। ये सब कुछ मैं कोई लीडर बनने के लिए नहीं कर रहा हूँ। सरकार और विदेश से जो पैसा और सब्सिडी आ रहा है उसका दुरुपयोग ना हो, इसके लिए हम कर रहे हैं। आम आदमी को जो बेसिक चिकित्सा मिलनी चाहिए उसी को ये लोग कमर्शियली बेच रहे हैं, उस सिस्टम को बंद करना होगा। जो लोग हमारे धरने का समर्थन कर रहे हैं उनको धन्यवाद। मिस्टर प्रसाद, क्या हो रहा है वहाँ पे? सिर्फ एक स्टूडेंट तुम्हारे कॉलेज को, तुम्हारे अस्पताल को बदनाम कर रहा है वहाँ पे? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। तुम्हारे चैनल को छोड़ के बाकी सारे चैनल उसी के सपोर्ट कर रहे हैं, पता है तुम्हें? पब्लिक और अपोजिशन पार्टी वाले उसी के गुणगान कर रहे हैं आज। प्लीज सर, मेरी बात तो सुनिए। सुनो, पहले उसकी जुबान बंद करवाओ, अन्यथा मैं स्वयं तुम्हारे कॉलेज और अस्पताल को बंद करवा दूंगा। सर, मुझे सिर्फ 3 दिन का समय दीजिए, सिर्फ 3 दिन का, मैं सब संभालूंगा। ओके, ठीक है। थैंक यू सर। सुनो, बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब तक हम लोगों ने सब से काम लिया, उसकी वजह से मेरा बेटा मारा गया, हॉस्पिटल में सीज हो गया, सब कुछ हमारे हाथ से निकल रहा है। नहीं, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा उसे। उस आर्या की लाश भी नहीं मिलनी चाहिए, खत्म कर डालो उसको। मुझे बस एक मौका दीजिए सर, प्लीज मुझे बस एक मौका दे दीजिए, मैं कॉलेज खुलवा सकता हूँ। पागल है क्या तू? हमसे नहीं हो सका तो तू क्या कर लेगा? सर, दुनिया में सारे लोग सेल्फिश हैं, मैं मानता हूँ, वो नहीं मानता, यही फर्क है। सर, हमें एक सीढ़ी चढ़ने के लिए 10 आदमियों को मोहरा बनाकर 100 आदमियों को रौंदने के लिए तैयार रहना चाहिए। सर, जरूरत तो हमारी है ना, तो हाथ जोड़ लेते हैं। क्या चाहिए तुझे? आप बिना सोचे 2 करोड़ रुपए दे दीजिए, आर्या को मैं मनाता हूँ। तुम ऑफिस में आके ले लो। थैंक यू सर। ये क्या, आप उस पर भरोसा कर रहे हो? इस लड़के में मैं अपने आप को देख रहा हूँ। सुन सुन यार, तेरी प्रॉब्लम तो अजय के साथ थी ना, वो तो अब इस दुनिया में नहीं है, तो अब झगड़ा किस बात का? छोड़ देना, सब लोग मिलके खुशी से रहेंगे। लोगों की मुफ्त में सेवा करना चाहता है ना, तो ये ले, इसमें 2 करोड़ रुपए हैं, तो खुद का अस्पताल खोल सकता है, फ्री ट्रीटमेंट कर सकता है। अगर ये काफी नहीं है तो 2 करोड़ और दे सकता हूँ। तुमने कितने रुपए ले इस घिनौने काम को करने के लिए? मैंने कितना लिया है वो बात छोड़ यार, तू ये देख कि तेरी पॉपुलैरिटी कितनी है, उसका सही इस्तेमाल कर। देखो, मैंने जिंदगी में आज तक किसी को नहीं मारा है, मुझे गुस्सा मत दिला, इसी वक्त चला जा यहां से। वैसे तेरे लिए एक और बम्पर ऑफर है, तेरी बहन से मैं प्यार करता हूं, ये तुझे पसंद नहीं है ये मैं जानता हूं। अगर तू हां बोलेगा तो इन 2 करोड़ के साथ साथ तेरी बहन से प्यार करना भी छोड़ दूंगा। मैंने सोचा था कम से कम तुम मेरी बहन से सच्चा प्यार करता है, दिखा देना अपनी गंदी औकात। छोड़ बे। हे, कुछ नहीं प्रिया, मैं और तुम्हारा भाई बस कैजुअली बात कर रहे थे। तुम एक सीढ़ी चढ़ने के लिए 10 आदमियों को मोहरा बनाकर 100 आदमियों को रोंदने के लिए तैयार रहते हो ना? जिन 100 आदमियों को तुम रोंदोगे उसमें मुझे क्यों नहीं शामिल किया? लेकिन अब मैं पूरी तरह समझ गई हूँ, जरूरत पड़ने पर तुम मुझे भी बेच डालोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग्स ही नहीं है, लव अफेक्शन जैसी तो कोई चीज ही नहीं। उसका एक ही रीजन है, क्योंकि तुम अनाथ हो। ये लीजिए सर, करेक्ट सर, आपने सही कहा था, उसे मरवा दीजिए सर, कैसा आदमी है सर वो। और देर मत कीजिए सर, अगर छोड़ दिया तो लीडर बनके जनता के लिए सब कुछ मुफ्त में मांगेगा। देखा आपने, इसका आइडिया भी फेल हो गया, तब से समझा रहा हूँ, उसको खत्म कर दो, उसको मार डालो, अब आपको किसका इंतजार है? वो उससे भी बहुत आगे निकल चुका है। मतलब हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते? भूल गए क्या, अगर हम किसी को मार नहीं सकते तो उसके कैरेक्टर को मारना चाहिए। कैरेक्टर खराब होने के बाद वो जिंदा रहे या मर जाए क्या फर्क पड़ता है? क्या कहा, उसके कैरेक्टर को मारेंगे अब? चांस ही नहीं है सर, उसके पीछे 3,000 स्टूडेंट्स की ताकत है, आप कुछ भी कहेंगे तो वो सुनने वाला नहीं है सर। तुम सिर्फ 3,000 स्टूडेंट्स की बात करते हो, मैंने तो 30 लाख लोग जो एक जिला में रहते थे,
जहाँ पर एक आदमी ऐसा रहता था जिसे लोग भगवान की तरह पूछते थे, उसे रौंद कर बनाया मैंने ये एसएस ग्रुप, करीमनगर जिला के देवता रामचंद्र। सर, आपके हॉस्पिटल के पीछे जो 50 एकड़ की जमीन है उसमें छोटा सा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ सर। असल बात यह है कि वो जगह ना किसी काम के लायक नहीं है। अगर प्रोजेक्ट खत्म करने के बाद कोई अगर पूछेगा और कोर्ट कचहरी का अगर कोई चक्कर चलाएगा तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथ खड़े होकर उस जगह की नींव डालें। उससे हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। इस काम को आप बिल्कुल फ्री में मत कीजिएगा सर। उसके लिए 50 लाख। कोई बात नहीं सर, मैं उसको यहीं रख देता हूँ। मेरे दादाजी विश्वेश्वर जी गांधी जी के साथ दंडी मार्च में गए थे, और मेरे पिताजी विश्व भोलेनाथ जी मुझे डॉक्टर बनाने के लिए अपनी सारी पूंजी दांव पर लगा दी। गरीबों का मुफ्त इलाज कराने के लिए इस अस्पताल को बनाया उन्होंने। उनको सोच के और फिर उनको याद करके मेरा ये सीना मेरे जाने बिना ही गर्व से फूल जाता है, समझे तुम। मेरे पूर्वजों के बारे में भी अगर मैं गर्व से कुछ कहना चाहूँ तो मेरी जिंदगी भी उनकी तरह बेदाग होनी चाहिए। इतने सालों से मेरी जिंदगी में कोई दाग नहीं लगा है। तुम्हारी सहायता करके मैं अपने परिवार को कलंकित नहीं करूँगा। सर जरा आपको क्या बात करनी है पता नहीं, चले जाइए बस यहीं पर। अच्छा अच्छा, सीधे चलकर। आपने बुलाया हमें? क्या तुम अपनी लड़की को काम पे भेज रहे हो? आपको तो सब पता है साहब, बहुत गरीब हैं हम लोग। शंभू भैया, एक लड़के को पढ़ाया तो वो अपने बारे में ही सोचता है, अगर बेटी को पढ़ाया तो सबका कल्याण करेगी वो। तुम क्या बनना चाहती हो बेटी? मुझे भी आपकी तरह डॉक्टर बनना है साहब। सुन लिया तुमने, इसे एक बहुत अच्छी डॉक्टर बनाकर मैं तुम्हें सौंपूंगा। बिन माँ की बच्ची है साहब। शंभू भैया, लक्ष्मी के लिए आज से माँ बाप सब कुछ मैं ही हूँ, मेरे घर में ही रहेगी साहब। पैचो, पैचो। नहीं बेटी, नहीं नहीं नहीं, अरे ये क्या सर? मैं आजकल विदेश में रहता हूँ लेकिन आपके ही जिले का रहने वाला हूँ। मेरी कोई संतान नहीं है लेकिन मेरे गांव वाले ही मेरे सब कुछ हैं, ऐसा सोचना है मेरा। उसके लिए मुझे लगा कि आप सही व्यक्ति हैं क्योंकि आपने पूरे जिले को संभाल के रखा हुआ है। मैं भी इस जिले के लिए कुछ करना चाहता हूँ, इसीलिए पैसा मैं आपको भेज रहा हूँ। अगर ये मैं सरकार को या किसी पॉलिटिकल पार्टी को भेजूंगा तो ये आम जनता तक नहीं पहुँचेगा, इसीलिए मैं आपको सौंप रहा हूँ कि ये जनता तक पहुँचे। भैया करीब करीब 3 करोड़ हो सकते हैं और वो भी सब डॉलर है। इतने सारे पैसों को संभालना बहुत ही मुश्किल है। तुम एक काम करो, कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर को बुलाकर लेके आओ, ये सारा पैसा सरकार को दे देंगे। ये कैसी बात कर रहे हैं आप, ये पैसे सरकार को नहीं सौंपना है, ये तो साफ साफ लिखा हुआ है। ये बात नहीं है प्रसाद, हमारे पास बहुत है और उसी से कर रहे हैं ना। साहब आप जो कर रहे हैं वो तो ठीक है लेकिन अपने जिले के लिए कर रहे हैं, अगर ये पैसा मिल जाए तो पूरे देश के लिए कर सकते हैं। कितने बच्चों को हम लोग डॉक्टर बना सकते हैं, एक बहुत बड़ा आधुनिक हॉस्पिटल बना सकते हैं। फिर भी इतने पैसों को हम हैंडल कैसे कर सकते हैं बोलो? एक ट्रस्ट बनाते हैं। हाँ। और आपके भरोसेमंद लोगों को ट्रस्टी बनाते हैं। हाँ। फिर इन पैसों को प्रजा की भलाई के लिए खर्च करेंगे सर। रामचंद्र जी की जय। रामचंद्र जी की जय। रामचंद्र जी की जय। तेरा लीवर टेस्ट एकदम नॉर्मल है पर शाम को बुखार आ जाता है, मेरे ख्याल से तुझे मलेरिया हो गया है। अब क्या होगा डॉक्टर? कोई बात नहीं, दवाई देता हूँ। बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन ले लो। पद्मा, पद्मा, हम लक्ष्मी को इंजेक्शन दे दो। मैं तुम्हारी नर्स हूँ क्या? होमवर्क छोड़ के अपने पिता की तरह बड़ा डॉक्टर बन के बैठा हुआ है, उन्हें आने दे बताती हूँ। हे भगवान, अब इंजेक्शन कौन देगा? अच्छा मैं ही देता हूँ। तुझे मैंने कितनी बार, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम मुझे नहीं है डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को है। पढ़ता तो वो 5वीं क्लास में है लेकिन वो अपनी किताब को कभी पढ़ता नहीं है। मेरी सारी मेडिकल बुक्स को पलटते हुए किसी बड़े डॉक्टर की तरह मेरे स्टेथोस्कोप से ट्रीटमेंट कर रहा, अब उसके साथ क्या किया जाए? उसका कुछ नहीं करना चाहिए। हाँ? हो सके तो चॉकलेट्स, आइसक्रीम, बिस्किट्स, सब कुछ दे दो उसे। ए, ए, रुक, 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 ए, अरे काम लग रहा। अपने बेटे को डॉक्टर के रूप में देख के बहुत खुश हो रहे क्या? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 100 करोड़ अगर हासिल करने हैं तो न जाने कितनों की बलि चढ़ानी पड़ेगी, कितने पुलिस वालों और डॉक्टरों को खिलाना पड़ेगा और कितनी नकली दवाइयां बनानी पड़ेंगी। इंसान के लिए 2 चीजें जरूरी है, शिक्षा और इलाज। इन्हीं दोनों से मैक्सिमम कमाई होती है और वो उन्हें फ्री में बांटना चाहता है। वो ट्रस्ट का पैसा हासिल करना है तो पहले उसे मारना होगा। क्या कहा? मार दोगे?
उसे गली में घूमने वाला मामूली आदमी समझाया क्या? उसको हाथ लगाया तो पूरा जिला हमारे खिलाफ हो जाएगा। एक 6 फीट का आदमी 60 फीट के दिव्य भगवान के जैसा क्यों लगता है पता है? अपने कैरेक्टर की वजह से। अगर उसके कैरेक्टर को ही मार दिया जाए तो? उसके कैरेक्टर का खात्मा करना होगा। मतलब जब हम किसी व्यक्ति को नहीं मार सकते तो उसके कैरेक्टर को मार देना चाहिए। कैरेक्टर खराब हो जाने के बाद वो जिए या मरे क्या फर्क पड़ता है? इधर आओ बेटी। अरे वहां क्यों खड़ी हो? आओ ना। अरे अरे इसकी क्या जरूरत है? मेरे पांव में क्यों गिरती है पागल? उधर देखो, भगवान की प्रार्थना करो। डॉक्टर डॉक्टर जल्दी आइए, देखिए इसे क्या हो गया। लक्ष्मी डॉक्टर, अरे मेरी लक्ष्मी को क्या हुआ? उस पे पड़ी थी, मैं इसे वहां से उठा कर ले आया। वहां क्या, चेक करता हूं जल्दी। लक्ष्मी लक्ष्मी डॉक्टर पल्स ऑन हो रही। क्या हुआ? वॉच है तुम्हारे पास? 30 सेकंड में ठीक हो जाएगी। नो प्रॉब्लम, शी विल बी ऑल राइट। अरे लक्ष्मी 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 क्या हुआ? डॉक्टर ये आपने क्या कर दिया? डॉक्टर लक्ष्मी मर गई। मैंने मार दिया अपनी लक्ष्मी को। लक्ष्मी आओ आओ और देखो क्या हुआ, अंदर क्या अन्याय हो रहा है, जाकर देखो। कल रात से तेरी बेटी को उठाकर ले गया और डॉक्टर रामचंद्र पता नहीं अंदर उसके साथ क्या कर रहा है, जाकर देखो। नहीं, नहीं, नहीं। रामचंद्र जी वो तो भगवान है। अरे अरे इसने तो उसे भगवान बना दिया, लेकिन अंदर जाकर देखो तो सही। हेलो हटो 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 साइड हो जाइए, खड़े रहिए। क्यों मार रहे हो? मैं कोई गड़बड़ करने नहीं आया हूँ यहाँ पर। लेके यार बोलता मैं गड़बड़ नहीं कर रहा। नहीं सांस नहीं। अरे साहब कौन सा गड़बड़ कर रहा है? मेरी बेटी अंदर है। तो मर गई डॉक्टर। सर बाहर की सिचुएशन बहुत खराब है। वो श्याम सुंदर पूरे गांव वालों को ले आया और बाहर हंगामा कर रहा है। यहाँ पे हुआ क्या सर? लक्ष्मी को कुछ हो गया और मर गई वो। मुझे शंभू से बोलना है। डॉक्टर सबसे पहले आप जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखवाई, जल्दी जाइए। क्यों? अगर हम संभाल लेंगे। आप जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन शंभू से एक बार बात करिए सर। लेकिन उधर मत जाइएगा, बहुत हंगामा हो रहा है। आप इस तरफ से जाइए, जल्दी ले जाइए, जल्दी ले जाइए। तेरी बेटी मर गई श्याम सुंदर। क्या कहा बेटी? चलो बेटी लक्ष्मी क्या हुआ तुझे? बेटी लक्ष्मी मेरी बेटी बेटी चलो बाहर। अरे पीछे मेरी बेटी को देख रहे तो? अरे क्या कर रहे हो? ओके सर वो सब मैं संभाल लूंगा, जरा हमारा ख्याल रखना। सर वो आ गए। सर मैं कंप्लेंट लिखवाना चाहता हूँ कि वहाँ जाके बैठिए। वहाँ जाके ओके सर काम हो जाएगा। नमस्ते सर। बैठना बे। इससे पहले कि रामचंद्र को कुछ पता चले हमने सारे सबूत उसके खिलाफ कर दिए और उसे कोर्ट में दोषी बनाकर पेश किया। सुनिए सुनिए कहाँ जा रहे हो? अंदर नहीं जा सकते पापा। अरे चलो बाहर हॉस्पिटल के बाहर। मैं कहता बाहर चलो, अंदर आना मना है। सब कुछ हो गया इसलिए मैं कंप्लेंट लिखवाने के लिए आया था। लेकिन कंप्लेंट कैसा कंप्लेंट? अरेस्ट करो इन्हें, अरेस्ट करो जल्दी। जो कुछ बोलना है कोर्ट में बोलना। क्या बोलिए? आप लोग क्या अरेस्ट किया जाता है? चलिए मैडम। My lord, medical report clearly says that the girl has been sexually harassed. उसके साथ दुर्व्यवहार करके उसे जहरीला इंजेक्शन भी दिया गया जिससे उसकी मौत हुई है। इन्होंने ये घिनौना काम करके इसे एक मेडिकल डेथ साबित करने की कोशिश की है। ये काम इन्हीं का है। No, no, your honor, no, no. I object, your honor. रामचंद्र जी वैसे आदमी नहीं है। जनता का इलाज करने के सिवा इनको कुछ और नहीं मालूम your honor. Court does not need any conduct certificate. It needs only evidence. Court is adjourned for lunch. बैठिए साहब। सर आपने कितने लोगों की मदद की है और आज आपकी ऐसी हालत हो गई है। आपको बाहर आना होगा सर,
मैं आपको बाहर निकालूंगा सर। सर आप इस पर साइन कर दीजिए सर। साइन कीजिए सर। सर ये क्या लिखा है? इससे आपकी सजा कम हो जाएगी सर। सर अगर आप एक बार अंदर चले गए तो बाहर आना मुश्किल है। हाँ सर साइन कर दीजिए सर। कैसे साइन करूं मैं? किसने किया, क्यों किया, ये सब हम पता लगाएंगे सर। सब पता लगाएंगे। सर, बिल्कुल सर। सर हम लोग सबको संभाल लेंगे। बस कर दीजिए प्लीज। आप साइन कर दीजिए सर। मुलजिम रामचंद्र ने जो किया है वो क्षमा के लायक नहीं है, क्योंकि रामचंद्र को चाइल्ड पेडोफिलिक टेंडेंसी है, जिसके कारण छोटे बच्चों को देखते ही उनके मन में काम वासना पैदा होती है। ऐसा मानसिक रोग है उनमें, ये रामचंद्र जी ने स्वीकार किया है, जिसकी गवर्नमेंट डॉक्टर ने भी पुष्टि की है। एज पर लॉ जिसको बीमारी होती है उसको हम सजा नहीं दे सकते, इसलिए उन्हें हम सजा न देकर रिहा कर रहे हैं और सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि उनका सरकारी डॉक्टर से इलाज करवाए। मेरी बेटी को तेरे हाथों में सौंपा था, मार दिया उसको तूने। उस कोर्ट ने तुझे फांसी की सजा नहीं दी। अगर तू जिंदा रहेगा तो मैं नहीं रहूंगा जिंदा, मर जाऊंगा तेरी आंखों के सामने ही, मर जाऊंगा। अभी मर जाता हूँ, अपने पे तेल छिड़क के मर जाऊंगा, अपने पे आग लगा लूंगा मैं, मर जाऊंगा, मर जाऊंगा मैं, यही पे मर जाऊंगा। उसका कैरेक्टर हमने खराब कर दिया, उसके बाद उसने अपनी जान दे दी और ट्रस्ट हमारे नाम पर हो गया। फिर उसकी बीवी और बेटे को भी हमने वहाँ से भगा दिया। पता नहीं उन लोगों का क्या हुआ। अगर उसकी बीवी मिलेगी तो एक सवाल जरूर पूछूंगा, इतने ईमानदार आदमी की पत्नी बनकर आखिर तुम्हें क्या मिला और अपने बेटे की परवरिश तुमने कैसे की? तो फिर पूछिए, पूछिए अब इनसे। तुम्हारे पति ने जो कुकर्म किया है उससे हमारे गांव की इज्जत खराब हो गई है। इसके बावजूद तुम यहाँ रहना चाहती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? ए, निकाल उनको बाहर। चलो बाहर जाओ। मम्मी अब क्या होगा? मम्मी मुझे डर लग रहा है। मम्मी गांव से निकालना होगा। जाओ जाओ कृष्णा, पापा उठिए ना, देखिए ना सब लोग हमें मार रहे हैं, देखिए उठिए ना पापा, पापा उठिए ना। तेरे पिता का कोई नाम नहीं बचा बेटा। पापा, हर बाप अपने बेटे को जमीन जायदाद दे या ना दे, बस एक चीज जरूर देता है उसे, मैं उनका बेटा हूं ये कहने का हक। पापा, जो मैं तुम्हें नहीं दे पा रहा हूं, आज के बाद तुम विश्व रामचंद्र के बेटे हो, किसी से भी मत बोलना, ऐसा वादा करो। को जो वचन दिया था उस वचन को निभाने के लिए मेरी मां के होते हुए भी मैं अनाथ हूं ऐसा हमेशा कहता रहा। मेरे पिताजी के व्यक्तित्व को लाखों लोगों के सामने दफना दिया गया, लेकिन आज करोड़ों लोगों के सामने उनके व्यक्तित्व को मैं जिंदा वापस लाया हूं। बंद करो इस लाइव टेलीकास्ट को। सर टीआरपी इज ऑन पीक, लेट इट गो ऑन एयर। मैं जो कह रहा हूं वो करो। इस वक्त मैं तुम्हें बोलता हूं, अपनी पूरी जायदाद जनता के इलाज के लिए त्याग करके पूरे जिले में भगवान का रूप धारण करने वाले उस विश्व रामचंद्र का बेटा हूं मैं।
पिताजी का नाम मैंने रोशन कर दिया है। माँ, अब पिताजी का नाम हम कहीं भी सर उठा के ले सकते हैं। अब कोई भी मुझे अनाथ नहीं कहेगा माँ, कोई भी हमें पत्थर से नहीं मारेगा। क्या समझा तूने? हमारे कैरेक्टर को तू लाइव दिखाएगा तो हम तेरे पिताजी की तरह अपनी जान दे देंगे? इतने पागल है क्या? पब्लिक बहुत जल्दी भूल जाती है। मैं ही अच्छा हूँ। अगर इसे 10 बार टेलीकास्ट करेंगे तो पब्लिक उसे ही सच मान लेती है। आज तक यही होने आ रहा है। क्यों रे, इसका उसका मर्डर लाइव दिखाकर तू हम ही से गेम खेल रहा है? लेकिन आज तुम दोनों की मौत हम लाइव टेलीकास्ट करेंगे। ए, दरवाजा बंद करो। अच्छी तरह बंद करने को बोलो। मुझे इसीलिए यहाँ बुलाया गया है। तुम दोनों की मौत मैं लाइव देखना चाहती हूँ। इतनी हिम्मत है तुझमें? यही है मेरी हिम्मत। तुम्हारे पापों को तुम्हारे मुंह से उगलवाने के लिए मैंने ही इसे अभी तक रोक रखा था, समझे? नहीं तो कभी का तुम्हें मार डाला होता। खून, दर्द दर्द बिल्कुल नहीं है कृष्णा, बल्कि खुशी हो रही है। मरे हुए इंसान को कोई डॉक्टर नहीं बचा सकता, लेकिन मरे हुए तुम्हारे पिता के व्यक्तित्व को तुमने जिंदा किया है। मुझे गर्व महसूस हो रहा है। अब नहीं रोकूंगी, अब तुम्हें नहीं रोकूंगी कृष्णा। जिनके कारण तुम्हारे पिता का सर झुक गया था, ऐसे दरिंदों के सर उड़ा दो। मैं इधर ही बैठ के तमाशा देखूंगी।
रुक जाओ सब। आर्या, तुम दोनों को बहुत दुख पहुंचाया मैंने। मुझे माफ कर देना, लेकिन जो कुछ भी मैंने किया और कर रहा हूं, अगर वो गलत ना लगे तो तुम मेरी एक मदद करो। बोलो कृष्णा। ये जो पुलिस वाले आ रहे हैं, इन्हें बस 5 मिनट रोक दो, इसे मैं यहीं दफना दूंगा। स्टूडेंट्स, ब्लॉक द वे। इसको बचा ले हम लोग। नहीं, नहीं, नहीं कृष्णा, कृष्णा, नहीं कृष्णा,